हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोग्राम्स, पाई डायग्राम्स और बार डायग्राम्स क्या होते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको शॉर्ट आंसर या फिर 500 वर्ड्स में आंसर करने के लिए आ सकता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हिस्टोग्राम की बात करें तो हिस्टोग्राम ये बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। तो रिफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले डेटा बाई वे ऑफ बार्स टू शो द फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो बेसिकली बार्स का यूज़ करता है, बार्स को शो करता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरीके से ये बार्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे है? रिक्टेंगुलर बार्स हैं, ठीक है। तो इसका यूज करता है तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। सो हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर बोथ कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए भी ड्रॉ किया जा सकता है। और कैटेगरिकल जो कैटेगरी वाइज होते हैं डेटा, उनको भी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए भी ये इसको ड्रॉ किया जा सकता है। द हिस्टोग्राम हैव बार्स विदाउट एनी स्पेसेस बिटवीन देम एंड द रेक्टेंगल्स नीड टू बी इक्वल विड्थ। सो बेसिकली जो देखिए, ये जो बार्स होती है ना, इसकी वेड्थ जो होती है, ये नहीं कि आप एक इतना चौड़ा बना सकते हो, एकदम कम कर सकते हो, नहीं, इक्वल विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। से इक्वल की विड्थ, इसकी लेंथ बढ़ सकती है लेकिन ये जो चौड़ाई है ये नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। जितने भी आप बार्स बनाएंगे वो इक्वल होनी चाहिए। सो बेसिकली बार जो डायग्राम होता है उससे क्या इसका डिफरेंस होता है, हिस्टोग्राम में बेसिकली हम जो गैप है ना, ये गैप नहीं करते, ऐसे हम कैटेगरी वाइज या कंटिन्यूअस जो वेरिएबल्स होते हैं इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हम बार ग्राफ में क्या करते हैं, स्पेस कर देते हैं। तो ये ही डिफरेंस होता है दोनों में, हिस्टोग्राम और इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको हमेशा जो विड्थ है उसकी इक्वल रखनी है, बाकी जो लेंथ होगी वो तो डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हिस्टोग्राम इज ऑब्टेन बाई स्प्लिटिंग द रेंज ऑफ द डेटा इंटू इक्वल साइज बीन्स और क्लासेस में हम डिवाइड करके करते हैं। हिस्टोग्राम इज क्लासिफाइड एज अ सिंपल हिस्टोग्राम भी हो सकता है, क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम भी हो सकता है, और एज वेल एज टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल हिस्टोग्राम्स हो सकता है, ठीक है। हिस्टोग्राम सो जर्नल डिस्ट्रीब्यूशन फीचर ऑफ द डेटा सेट वेरिएबल्स जो भी होती है, नंबर्स होते हैं उनके वेरिएबल्स, उन्हीं को तो कह रहे हैं, तो उनके डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किया गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज शोइंग इन हिस्टोग्राम, यहाँ पे सैलरी दिखाई गई है जो भी एम्प्लॉय है, जो वर्कर है उनके। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी है यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, तो इनके बीच का जो एक यूनिट कितने के यूनिट में, मतलब एक यूनिट में पांच, आपका पांच जितना भी सेंटीमीटर आप डेटा पे रिप्रेजेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हो कि एक यूनिट इसके बराबर होता है। सो यहाँ भी आप देखिए एक के बीच में 10-10 का गैप करके आपने ये रिप्रेजेंट किया है। एंड जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल विड्थ है इसकी, ये लेंथ तो बढ़ रही है लेकिन विड्थ इक्वल होगी, तो यही डिफरेंस है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए ये सैलरी है इन 1000 पर मंथ, तो यहाँ पे 5 एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 7 एम्प्लॉय, सैलरी इन 1000 पर मंथ, तो यहाँ पे सैलरी है 1000 पर मंथ, यानी इतने लोगों की सैलरी 10,000 हो, यहाँ पे 15 लोगों की सैलरी, मतलब 15 एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, इस तरीके से ये दिखाई गई है। फिर 20 लोगों की इतनी बढ़ रही है, 25 लोगों की सैलरी इतनी हो जा रही है पर मंथ, 30 लोगों की सैलरी इतनी, इस तरीके से दिखाई गई, और इसके बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दैट यूजेस बार्स टू कंपेयर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ डेटा। सो बेसिकली ये वो तो कंटिन्यूअस था, उसमें कोई स्पेस नहीं था, ये कैटेगरी ऑफ डेटा जो होती है उसको उसमें उसको रिप्रेजेंट करता है, उसमें कंपेरिजन करता है, ठीक है। अब बार ग्राफ इज अ डायग्रामेटिकल कंपेरिजन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंट होता है वो कैटेगराइज करता है, वो बताता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स और क्लासेज हैं, ये क्लास आपकी
फिफ्थ हो गई, सिक्स हो गई, सेवन्थ, एट्थ हो गई। तो एक यूनिट में कितने लेंथ है? फाइव गर्ल्स ही होती हैं। यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन एक यूनिट में फाइव गर्ल्स रखी गई हैं। तो यहाँ पे क्लास में दिखाया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है, क्लास सिक्स में, क्लास फिफ्थ में। यहाँ पे मैंने नंबर नहीं लिखा है, अगर आप लिखेंगे फाइव एट ऐसे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ जा रहा है क्लास फिफ्थ में इतनी लड़कियाँ हैं, फिर यहाँ जा रहा है तो यहाँ जा रहा है, इस तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हो। सो बार ग्राफ शोज कैटेगरिकल डेटा, ठीक है, तो ये कैटेगरी वाली वो कंटिन्यूस डेटा भी दिखा रहा था। इन बार ग्राफ बार्स आर यूजली सेपरेटेड बाय स्पेस दैट इंडिकेट डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी दिखाता है ये, और इसमें स्पेस होता है बार्स के बीच में। द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इन बार ग्राफ इज ऑलवेज सेम, तो दोनों में जो विड्थ होती है वो सेम ही होगी, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स जो होते हैं, जो जिसे हम बार कह रहे हैं। सो पाई डायग्राम की बात करें, नेक्स्ट है पाई डायग्राम, जिसे हम सर्कल, क्योंकि ये सर्कल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको सर्कल डायग्राम या सेक्टर चार्ट भी कहते हैं, इसमें अलग अलग सेक्टर डिवाइड होते हैं। सो द पाई चार्ट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग डेटा ग्राफिकली इन फॉर्म ऑफ सर्कल। सो सर्कल में आपका कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री को हम 100% मान सकते हैं। सो देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल, एंड सो दैट फुल सर्कल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट 100% और द टोटल पॉपुलेशन आपका 100% दिखाया जाएगा। द प्रोपोर्शन में बी सोन ईदर एज अ एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज में भी दिखाया जा सकता है, नंबर में भी दिखाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लीजिएगा, इट कंटेन्स डिफरेंट सेगमेंट या सेक्टर होता है इसमें, जिसमें और ये जो जो भी इस पर ये इच सेक्टर जो होते हैं ना, एक स्पेसिफिक डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफिक टोटल पोर्शन जो है किसी भी, मान लीजिए हम अगर हम इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर में जितने गैसेस हैं उसका हम दिखाएंगे कि कितने हैं, नाइट्रोजन कितना है, ये कितना है, तो वो स्पेसिफिक नंबर बताता है इस किसी भी स्पेसिफिक पोर्सन का, मतलब या नाइट्रोजन का बता रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर होते हैं, तो वही कह रहा है, इट कंसेन डिफरेंट सेगमेंट एंड सेक्टर इन विच सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ पाई चार्ट फॉर्म स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द टोटल, यानी परसेंटेज का स्पेसिफिक टोटल बनाता है। तो इच सेक्टर डिनोट्स अ प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द होल, यानी इस पूरे का होल, मतलब 100% का कितना परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, यानी कार्बन कितना है, ये सब हम इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉपुलेशन का भी बना सकते हैं, ये हम पाई चार्ट का यूज़ करते हैं, पाई चार्ट। और ये थ्री आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे आपके डेटा के। तो हमने बार ग्राफ पढ़ा, हिस्टोग्राम पढ़ा, और पाई चार्ट, जिसको हम सर्कल और सेगमेंट चार्ट भी कह, सॉरी सेक्टर चार्ट भी कह सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।